अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो का हमारा सवाल था कुरान में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है। और इस सवाल के हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए खड़े होकर पेशाब करना, ऑप्शन बी फजूल माल खर्च करना, ऑप्शन सी उल्टा सोना, ऑप्शन डी झूठ बोलना। तो दोस्तों इस सवाल का हमारा जवाब है ऑप्शन बी, फजूल माल खर्च करने वाले को कुरान में शैतान का भाई या बहन कहा गया है। आज की वीडियो का हमारा पहला सवाल है, हवा और जिन्नात किस नबी के ताबे थे। इस सवाल के हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस सवाल का हमारा जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और हवा पर हुकूमत अता फरमाई थी। आज की वीडियो का हमारा अगला सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो परिंदों की भाषा समझते थे यानी उनकी बोली जाना करते थे। इस सवाल के हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का हमारा जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद की बोली भी जानते थे और समझते थे। आज की वीडियो का हमारा अगला सवाल है, मेहमानों को दरवाजे तक विदा करना यानी छोड़ना कैसा है। इस सवाल के हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए वाजिब है, ऑप्शन बी सुन्नत है, ऑप्शन सी फर्ज है, ऑप्शन डी मुस्तहब है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको अगले एपिसोड में दिया जाएगा। इस्लामिक वाकयात कुरान अमल वसाइफ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रोज़ शाम को 4 बजे नई इस्लामिक वीडियो देखें और अपने इल्म में इजाफा करें। इंशाल्लाह मैं फिर बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर रहूँगी। तब तक इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।